करीब 12 साल बाद पहले आई सुपरहिट कॉमेडी फिल्म धमाल अब अपने तीसरे भाग में पहुंच गई है और दावा किया गया है कि इस बार टोटल धमाल होने वाला है। जी हाँ, इंद्र कुमार की कॉमेडी सीरीज का तीसरा भाग यानी फिल्म टोटल धमाल का ट्रेलर आज सोमवार को जारी कर दिया गया है। सिनेमा के पर्दे पर अपने अभिनय से दिलों को लूटने वाली बॉलीवुड की दिलकश जोड़ी यानी कि अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित करीब 17 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। फिल्म टोटल धमाल से जिसमें अजय देवगन लीड रोल में है, इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। वहीं आपको बता दें कि 22 फरवरी को रिलीज होने जा रही इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड एडवेंचर कॉमेडी का नाम दिया गया है। इस फिल्म में अजय देवगन की वो भूमिका है जो इससे पहले वाले भाग में संजय दत्त की रही है। अनिल और माधुरी की जोड़ी तो इस फिल्म में देखने लायक होगी और ये भी आकर्षण का केंद्र बनेगी। वहीं उसके अलावा रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी भी होंगे इस फिल्म में, जो पहले के भाग में भी रहे हैं, और साथ में जॉनी लीवर, संजय मिश्रा भी अहम किरदार में हैं। इस बार 50 करोड़ रुपए की हेरा फेरी हुई है इस फिल्म में। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल मुंबई में इस फिल्म का मुहूर्त हुआ था और इस बार अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित का रोमांस नहीं बल्कि कॉमेडी देखने को मिलेगा। वहीं अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को लंबे समय के बाद दर्शक देखेंगे। वहीं आपको बता दें कि करीब 17 साल बाद अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित वापसी कर रहे हैं। वहीं साल 2007 में धमाल बनी थी और बाद में उसका सीक्वल डबल धमाल भी बनाया गया था। वहीं अब देखना ये होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करती है। वहीं और भी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।